समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। कन्नौज और लखनऊ समेत 50 जगहों पर पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। इत्र कारोबारी पंपी जैन की छापेमारी पर अखिलेश यादव ने कहा, हमें पता था समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर पड़ेंगे छापे, इत्र से बीजेपी को नफरत है। इधर दो हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। अयोध्या की रैली से अमित शाह का अखिलेश और मायावती पर निशाना, बोले बुआ बबुआ के राज वाले नोट थैलों में भर भर कर मिल रहे हैं। बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो थैले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां। आज दिन में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, मंदिर में पूजा की, हनुमान जी का गदा भी हाथ में लिया। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा कार्यकर्ताओं को मुफ्त मोबाइल बांटने का अभियान चालू किया। 80,000 मोबाइल बांटे जाएंगे। सीएम योगी बोले, आशा बहनें मोबाइल पर अपनी समस्या बताएंगी। अनावश्यक लिखा पढ़ी और कागजों को या रजिस्टर को इकट्ठा करने की समस्या से हमें निजात मिल सके। टेक्सटाइल पर टैक्स 5% से 12% करने का फैसला वापस। अब 1 जनवरी से कपड़े महंगे नहीं होंगे, व्यापारी संगठन कर रहे थे विरोध। अब हर दिन कोरोना के ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 16,000 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई में कोरोना की पाबंदियां और बढ़ी। अब 15 जनवरी तक लोग समंदर के बीच, पार्क, मैदान और सार्वजनिक जगह भीड़ नहीं जुटा सकेंगे। लग गई है धारा 144। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, पीएम मोदी मास्क नहीं पहनते, हम उन्हें फॉलो करते हैं, इसलिए मास्क नहीं पहनूंगा। नई साल का जश्न मनाने मसूरी जा रहे पर्यटकों पर पहरा। देहरादून की सीमा पर पुलिस कर रही है चेकिंग। फुल वैक्सीनेशन के साथ आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही मिल रही है एंट्री। गुरुग्राम में खुले में नमाज विवाद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कुछ लोग एक साथ नमाज कर शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं। धर्म संसद में गांधी के अपमान के मुद्दे पर आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने भजन गाकर प्रदर्शन किया। सीएम बघेल भी शामिल हुए, कालीचरण को बताया गालीचरण। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।